आप सभी बहनों को बहुत बहुत नमस्कार। हम लोग इलेक्शन डिपार्टमेंट से आए हैं, हमारी ये स्वीप की टीम है और हमारा काम है पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे मतदाता भाई बहन हैं उसको शिक्षण देना कि किस तरह से हम अपना वोट डालें। तो 8 नवंबर को अपने यहाँ इलेक्शन है, 8 नवंबर को रविवार है, संडे है, उस दिन वैसे भी छुट्टी रहेगी। 8 नवंबर को अपना सारा काम काज बाद में पहले जो मुख्य काम रहेगा वो क्या रहेगा, वोटिंग करना, वोट देना। 8 नवंबर से एक दो दिन पहले ही आपके विस्तार के बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर आपके घर पे आएंगे और वो आपको वोटर स्लिप देके जाएंगे, मतदाता पर्ची देके जाएंगे। उस पर्ची पर आपके बूथ के बारे में, आपके यदि आप वोटर हैं तो आपका वोटर सीरियल नंबर, ये सारा माहिती उस स्लिप में रहेगी। ये आपको बीएलओ देके जाएंगे 8 तारीख से पहले, वोटिंग के दिन यानी 8 नवंबर को रविवार को हमें अनिवार्य रूप से, निश्चित रूप से अपने बूथ पर जाना है और पंचायत सभ्य, सरपंच और जिला पंचायत के लिए जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनमें से हमको जो पसंद पड़े अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनने के लिए वोट देना। सबसे पहले आप क्या करना, तो मुंह पे ऐसे मास्क लगा लेना, कोरोना भी है ना, हमें तो कोरोना से भी बचना है। एक साथ दोनों काम होगा, वोटिंग करने का भी सिखाएंगे, कोरोना के बारे में भी जानकारी देंगे। तो मास्क लगा लेना, अपना वोटर कार्ड साथ में ले लेना। यदि आप वोटर हैं, आपका नाम वोटर लिस्ट में है किंतु कोई संयोग में वोटर कार्ड हमारे पास में नहीं है, मिसप्लेस हो गया है, अभी नहीं मिल रहा है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। निर्वाचन आयोग ने 8 ऐसे फोटो पहचान पत्र को भी मान्यता दिया है जिसमें से कोई भी एक फोटो पहचान पत्र हम लेकर के बूथ पर जा सकते हैं और वोट डाल सकते हैं। तो पहले तो आप सभी के पास वोटर कार्ड होगा, एपिक कार्ड होगा, वो लेकर के जाना, मास्क पहन लेना। यदि किसी संयोग में वोटर कार्ड नहीं है तो आपका आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, अमुक भाई मनरेगा में काम करता है तो मनरेगा जॉब कार्ड है, यानी ऐसे जो डॉक्यूमेंट है जिस पर हमारा फोटो लगा है वो लेकर के ही हम बूथ पर जा सकते हैं। जब आप बूथ पर जाओगे तो प्रशासन के द्वारा सुरक्षा की हरेक चीज की व्यवस्था वहां पे की गई है, सैनिटाइजर भी रहेगा, हरेक चीज रहेगा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। जब आप अपने बूथ पर जाओगे, जब आपकी बारी आएगी, जब आपका नंबर लगेगा और जब आप मतदान कुटीर में जाओगे तो वहां ये 3 मशीनें आपको मिलेगी, इसको बोलते हैं बैलेट यूनिट। पहला बैलेट यूनिट पर ये सफेद रंग का बैलेट पेपर लगा रहेगा, देखो ना, ये व्हाइट कलर का बैलेट पेपर है ना, ये है पंचायत सभ्य के लिए। पंचायत सभ्य में जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे आपके एरिया से, उसमें उसका क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 एम करेंगे, पची उसके बाद उसका नाम रहेगा और उसके आगे में उसका चुनाव चिन्ह रहेगा। तो सरपंच का जो बैलेट यूनिट रहेगा उस पर ये सफेद रंग का बैलेट पेपर लगा रहेगा, ठीक है। दूसरा जो मशीन रहेगा वो रहेगा सरपंच के लिए, आपके विस्तार में जो भाई सरपंच के उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं उन तमाम उम्मीदवारों का क्रम संख्या, उसके बाद उनका नाम और उसके आगे में उसका चुनाव चिन्ह छपा रहेगा। और जो तीसरा मशीन रहेगा वो रहेगा जिला पंचायत सदस्य के लिए, ये आकाशी रंग का बैलेट पेपर रहेगा, देखो ना, आसमानी कलर का बैलेट पेपर। तो ये 3 मशीनें वहां रहेगी, घबराना मत, डरना मत, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में जो आपने वोट किया होगा उसमें एक ही मशीन था ना, अभी कितने मशीन रह गए आप लोग बोलो, 3, जोर से बोलो, 3। सरपंच के लिए व्हाइट कलर का बैलेट पेपर, ये पंचायत सभ्य के लिए व्हाइट कलर का बैलेट पेपर, सरपंच के लिए गुलाबी कलर का बैलेट पेपर और जिला पंचायत सभ्य के लिए आकाशी कलर का बैलेट पेपर। अब आप जाना,
सबसे पहले पंचायत सभ्य में से आपके पसंद के जो उम्मीदवार है उसका नाम देख लो, उसका चुनाव चिन्ह देख लो। यदि अमुक मतदाता ऐसा भी होता है जो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो नाम नहीं पढ़ सकता है, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, उसके आगे उसका चुनाव चिन्ह तो है ना। ठीक है, तो आप अपने पसंद के मतदाता का नाम और उसके चुनाव चिन्ह के सामने में ये जो बटन आप देख रहे हो ना, ये हरे रंग का बटन है ना, उसको दबा देना। जब आप दबाओगे, ये देखो यहाँ पे हमारा मशीन तैयार है, जब हम गए तो देखो यहाँ पे ये हरी बत्ती जल रही है, तीनों पर जल रही है ना, यानी अपना मशीन वोटिंग के लिए तैयार है। अब मान लो मेरे को ये भाई पसंद आया, हमें इसको वोट देना है, तो देखो मैंने ये दबा दिया, देखो एक लाल रंग की बत्ती चली चली ना, यानी मैंने पंचायत सभ्य में अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दे दिया। अब हम वोट देंगे सरपंच के उम्मीदवार को, हमारा पसंद का उम्मीदवार मान लो ये भाई है, मैंने इसके सामने किस बटन को दबा दिया, देखो लाल बत्ती जली और एक आवाज आई। अभी भी हमारा वोटिंग खत्म नहीं हुआ है कि खत्म हो गया हमारा वोटिंग? क्यों क्यों बारे बात, ताली मारो बैंक के लिए, कितना बढ़िया जवाब दिया। तीसरा मशीन अभी बाकी है, अब हमारे तीसरे मशीन पर ही एक ही साथ रहेगा वहां पर रखा हुआ। अब इसमें मेरे को पसंद का ये है, मान लो मैंने इसको वोट दे दिया, कुछ सुनाई दिया? क्या सुनाई दिया? एक लंबी सीटी बजी ना, लंबी सीटी बज गई, यानी हमारा वोटिंग कंप्लीट हो गया। तो 8 नवंबर को आप सभी को अनिवार्य रूप से अपने बूथ पे जाना है।